इतनी शांति, इतनी शांति मैंने कमला नगर में कभी नहीं देखी भाई, इतनी ज़्यादा शांति। ठीक है भाई, मोदी जी का जनता कर्फ्यू है, लोग उसको निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूरी भी है यार कोरोना वायरस को करने के लिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और सेल्फ क्वारंटाइन करें अपने आप को। सो आई हैव बीन क्वारंटाइन माई सेल्फ फ्रॉम पास्ट 1 वीक, सो दिस काइंड ऑफ लाइक माई डे 8। एंड एक हफ्ते में ना बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया कि भाई क्या करना है, घर में बैठ बैठ के कितना कर लेगा भाई बंदा। तो मुझे ये चीज़ समझ आनी शुरू हुई कि यार सर्वाइवल के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, जैसे कि खाना बनाना, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। आज 22 मार्च है, संडे, जनता कर्फ्यू वाला दिन है, तो आई थॉट कि थोड़ा कुकिंग के बारे में थोड़ा सीखा जाए। ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बट मेरे पास मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से सीखूंगा। सो लेट्स गो किचन में और देखते हैं आज क्या बन रहा है। मैं क्या बना रहे हो आज? डोसा बना रही हूँ आज। हैं? मैं सोच रहा मैं ट्राई करूँ डोसा बनाना, आप कर लो ट्राई। सिखाओगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, सीखो ना, अब ये टाइम मिला सीखने को हाँ, तुम्हें। तो मैंने सोचा ये बहुत जरूरी लाइफ स्किल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं सिखाती हूँ, आ जाओ। ये सांबर बना दिया आपने? हाँ सांबर बना दिया। ये ऑयल रखा है थोड़ा सा, कौन सा ऑयल है ये? ये रिफाइंड ऑयल होता है, घी में अच्छा। डोसा अच्छा बनता नहीं है, इसलिए घी नहीं यूज करते हैं, ऑयल में बनाते हैं। तवे को प्रॉपर हीट अप करके इसको गीले कपड़े से साफ किया है। थोड़ा सा ऑयल, ये डोसे का बैटर है। एक कटोरी दाल उड़द की भुनी हुई और 2 कटोरी चावल। इसके बैटर में देखिए, जब हम उसको पलटते हैं तो ये गड्ढा आता है अंदर, इट मीन्स ये तैयार है। जब हम इसको ऐसे, ये देखिए अंदर को जाता है, छीट नहीं आ रही है इसकी। आप भी देख लो, हम खा सकते हैं। समझे, 1 कटोरी दाल में 1/2 चम्मच नमक। ये कटोरी दाल है ये? 1 कटोरी दाल 2 कटोरी चावल। फ्राइडे नाइट भिगोया, सैटरडे मॉर्निंग पीसा और सैटरडे डे एंड नाइट फर्मेंटेशन हुआ, संडे आज बन रहा है आफ्टरनून में। ये इट मीन्स प्रॉपर गर्म हो गया। ऑयल 2 कड़छी ये डाला और मैं इसको कटोरी से स्प्रेड करती हूँ, सेंटर में रखिए, एक साइड प्रेशर करके ऐसे गोल गोल घुमा दिया। मिल्की वाइट से थोड़ा सा पेल हो गया तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अब डालेंगे ताकि ये पके, क्रिस्पी होगा। प्रेस नहीं करना बट ऑयल स्प्रेड करना ताकि ये इसके पत्ते आगे पीछे लगे, हो इससे नीचे चला जाता है। अब गैस तेज कर देंगे, जैसे ये ब्राउन होगा ये अपने आप जगह छोड़ देगा और पलट के ये यहाँ साइड से, इधर से, इधर से। तो पलटना, फिर पलटते नहीं है वो, ये ऐसे ही पकता है बस। हम इस तवे को मूव करते हैं ताकि गैस छोटी है तो सेक दूसरी तरफ भी जाए। ये ब्राउन हो रहा है, मैं तवे को अब घुमा दूँ ताकि इधर से भी ये पक जाएगा ऐसे। इसको ऐसे प्रेस करते हैं ताकि जो नीचे ऑयल है उसके सेक से ही ऊपर भी पकता है। डोसा दो साइड से कभी भी नहीं पकाते हैं। ये देखिए अभी हल्का हल्का हो रहा है ब्राउन। आलू कैसे बनाए हैं? एक प्याज लंबा लंबा काटा सिंपल, ऑयल में ये सरसों थोड़ी सी भून ली 1/2 चम्मच, 4 आलू वाले थे, हरी मिर्ची काटी, प्याज भुना, भुना नहीं सौते करते हैं उसको। सौते मीन्स बहुत लाल नहीं करना, हल्का सा वो गल जाए बस, खुले ढक के नहीं करते। उबले हुए आलू ऐसे बारीक बारीक काटे, नमक हल्दी बस, और हरी मिर्ची डालते हैं, लाल मिर्ची नहीं और कड़ी पत्ता। ये देखिए डोसा तैयार है, ये देखिए बिल्कुल हो रहा है ब्राउन। बस इसको 3 फोल्ड करते हैं। ये सांभर इसके साथ नारियल की चटनी खाते हैं, बहुत अच्छी बनती है, स्वाद भी होती है, हेल्दी भी होती है। 1 चम्मच ये रखा है नारियल चटनी। नाउ इट्स रेडी टू ईट। लो अब आप ट्राई करोगे हैं? अब आप बनाओगे? हैं हाँ, तो बनाता हूँ, मेरे को बताते रहना साथ साथ। बिल्कुल बताऊंगी। क्या करना है? 1/2 चम्मच ऑयल डाल। इतना? हाँ ठीक है, गोल गोल घुमा के ये, हाँ मतलब तेल पहुंचना नहीं, बस स्प्रेड हो जाए ऐसे करना है। अब ये बैटर जो है डोसे का, ये पतीला उठाओ, ये 2 कड़छी डलेगा। गैस हल्की कर दी? हाँ गैस हल्की है। हाँ 2 कड़छी बीच में डाल बिल्कुल,
डाल के फिर घुमाना नहीं आता था? घुमाना कटोरी से है। एकदम से ना? हाँ एकदम से। दो कर्ची डालूँ एक बीच में? सेंटर में एक के ऊपर एक डाल दे। अब पतीला रख दे, ज्यादा दबाना नहीं है। इकट्ठा हो गया। मैं तो बोल रही थी ज्यादा दबाना नहीं पड़ जाता है। इतना कम ही तो आया। अब छोड़ दे। बंद करो क्या? नहीं हल्की रहने दे, पकेगा ऐसे उतारना पड़ेगा इसको। इतना आसान नहीं है काम ये गालिब। कोई नहीं पॉट रहा है भाई काम। अब और मत कर, हलवा बन जाएगा उसका। वो कटोरी से नहीं निकालू? नहीं। अरे यार डोसा 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 लो डोसा। यही प्रिपरेशन थी तेरा डोसा तो लूं जरा। वाह ये मतलब ऑलमोस्ट बन गया है। थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा ऑयल डाल थोड़ा थोड़ा पक जाएगा, तेरे को खिलाऊंगी। ये तो कपूरे में डालूं कैसे करूं? हाँ, अब ये से स्पैटुला से इसको स्प्रेड कर सारा ऑयल को। हाँ ताकि पक जाए। तो तू खाइयो इसको। नहीं नहीं आ रहा। तू ही खाएगा यार, ऐसे तो मत करो। फिर ऐसे में कैसे सीखूंगा? हाँ तो सीखने वाले ऐसे जली रोटी खाते हैं, तुम टूटा फूटा डोसा खाओ। ये हो गया, अब प्लेट का। अभी कहाँ है उसको? गैस को बैठ कर थोड़ा सा ब्राउन तो होने, कच्चा खाएगा ऐसा मत जैसे। तू खाएगा ये तो? कोई खाएगा ना? फेंकने दूंगी। कितना बढ़िया फर्स्ट डोसा मेड बाय सत्यम। वाह पिक्चर भी समझ में आ रही बनी क्या ये ना मतलब अभी अपने अभी इसका जन्म हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा, पालूगा पोसूगा इसको मैं अभी। हाँ। फिर ये थोड़ा अभी न्यू बॉर्न बेबी है ये। हाँ। अभी डोसा का डो है ये, डो है। नहीं आया। डो भी नहीं, मतलब डी भी नहीं लग रहा है ये। आएगा। अच्छा देखती हूँ कब आता है। आर्टिस्ट से ना कभी भी ये नहीं पूछते शुरुआत में क्या? कि क्या बना रहे हो, जब तक बन नहीं जाता पूरा। जब पूरा बन जाता है ना फिर समझ आता लोगों को क्या बनाया है। अब ये जो बना है आप बताए फिर क्या बनाए? ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं देखूं आपका आर्ट। ये इसके लिए ना बहुत ज्यादा आईक्यू चाहिए समझने। अच्छा। के लिए कि ये क्या बनाया है, मतलब इसके अंदर काफी गहरी सोच डालकर मैंने ऐसा बनाया है इसको। अच्छा जी। ये आपको लग रहा होगा भी खुद से हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मैं कभी ऐसा बना के दूं तो खा लेगा? आर्ट होनी चाहिए। और मैं इससे बढ़िया आर्ट बनाऊंगी? नहीं वो मैं आर्ट होनी चाहिए। आर्ट तो मैं बहुत बढ़िया बना दूंगी। अगर आपको आर्ट समझ आ रही है तो बना देना। आपको समझ आ रहा है क्या? आज ही बना के देती हूँ। चल ऐसे ही खाओ, इसके ऊपर आलू डालो। इसको पलटेगा कैसे, इतना टूटा फूटा है ये। आलू का डालो। इतना टूटा फूटा को पलटेगा कहाँ से बता? आलू डाल प्लेट में डाल दो ना। अब प्लेट में डाल ले। चल इसको रोली पोली कर और प्लेट में डालो। इधर रोटी सब्जी होगी, इधर डोसा क्या हुआ है? मीट आर्ट। आर्ट में थोड़े से डाली क्योंकि वेस्ट होने वाले हैं, मेरे दूसरे के लिए बच जाएंगे। अब आप ना इसको आप टेस्ट करके बताओ। मैं नहीं करूंगी इसको टेस्ट। इसको टेस्ट करके बताओ। मैं नहीं करूंगी। नहीं इसको ना, ना 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 ये आर्ट आप खाए, मैं इस काबिल नहीं इस आर्ट को खा सकूं। ना 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 नित्य को खिलाती हूं। नहीं 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 एवरी ट्राई करके तो देखो। अब बेटे ने पहला डोसा बनाया अपनी 26 साल की उम्र में। टीका तो अच्छा है, बस आर्ट कुछ ज्यादा हो गया। ये देख ये क्या बनाया है, ये गुलगुले मोटे मोटे। वो इकट्ठा हो गया था ना। ये देख ये कौन खाएगा इसको? कच्चा डोसा आ रहा। क्या कच्चा है? कच्चा आ रहा है। मैंने पकाया, आपने कहा था उठा दे। अब ये बीच में मोटे मोटे, ये देखो मोटे वाला, ये देखो ये बैटर साथ में, इसमें भी कच्चा टेस्ट आ रहा है। ये खा के देखते हो ये फिर भी ठीक लग रहा है? मोटे वाला छोड़ दो, ये देखते हो। ऑयल कम है, ऑयल डालना चाहिए था शुरुआत में। कम है कि बात वाला जो ऊपर डालते हैं ना। अच्छा वो कम है। बाकी ये मोटा मोटा तू खाइयो ये सब। ये देख क्या बनाया है, लिखा मैं खिलाती हूँ तुझे। थोड़ा अच्छा वाला खिला दूंगी, फिर दूसरा वाला तू खुद खाइयो। थोड़ा सा मतलब फिर वेस्ट हो गया ना मतलब। नहीं कोई बात नहीं, तू खा लियो, वेस्ट नहीं होगा। तू खा लियो, वेस्ट नहीं होगा। आपसे अपेक्षा ज्यादा है ना? नहीं 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 अपेक्षा तो मुझे तेरे से भी बहुत ज्यादा थी। कोई नहीं इतना बुरा नहीं है।
चल फिर ये भी खा ले, ये खा। आलू आलू खा रहा हूँ। नहीं नहीं बैटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारा खा। आर्ट की मेरी तौहीन कर रहा हूँ मैं। मैं तो कह रही हूँ इतना अच्छा आर्ट है कि तू खा, तेरा पेट में देखे क्या आर्ट आ जाए अंदर। उसने कभी ऐसा आर्ट खाया नहीं, लोग आर्ट देखते हैं, तू आर्ट को खा। कैसा है? वाह लाजवाब है, ऐसा डोसा कभी खाया नहीं तूने? जिंदगी में नहीं खाया। वाह भाई वाह, दोबारा खाने को मिलेगा, अभी दूसरा भी नहीं बनाएगा। अच्छी चीजों की आदत पड़ जाए ना तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। नहीं अभी दूसरा भी तू बनाएगा तो वो भी कोई खाएगा। नहीं अच्छी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है जब ज्यादा मिले तो। ना 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 मैं इसकी वैल्यू करना चाहता हूँ। दूसरे की भी कर ले, तीसरा मैं अच्छे गंदे वाला बनाऊंगी, वो तू खाइयो। एक और बना। कौन बना? अब पापा के लिए बनाता हूँ डोसा। पापा का डोसा खत्म हो गया होगा पहले वाला। हाँ अब पापा के लिए डोसा मैं बनाऊंगा। वाह हैं, वो भी याद रखेंगे। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार डोसा बना रहा है अपने बाप को। बाप को पिताजी बोलना चाहिए वैसे तो। दो बीच में डाल दिए, बढ़िया थे। तेज गैस में? हाँ ये तो डाल दे अभी ना, क्योंकि काफी देर से खाली थी तो। ठीक है ये डाल दिया। अब आते हैं मेन दाल। क्या बना? बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ना। चल भाई थोड़ा सा बैटर हुआ, थोड़ा तो बैटर हुआ पहले से, थोड़ा सा फैला है बस, टूटा कम है, वो थोड़ा मोटा कम हुआ है। तो अब फैलने लगता ना? अब नहीं, जहाँ फैलाएगा वहीं फट जाएगा। रहने दे भाई, ऐसे तो रहने दे, तेरे बस का ना है ये काम। अरे हो पीछे हो थोड़ा। अब ऑयल का, ऑयल डालो पर। हाँ मैं ऑयल ही डालने लगा था, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्रेजी करने की तो बना ही रहा, सारा वेस्ट करते हम खाएंगे क्या? बस और नहीं बनाएगा तू? क्या करूँ इसको, पलटू? नहीं इसको तू तो पलट दे, ये कच्चा है सारा, पराठे की तरह बन रहा है। नहीं बेटर है, काफी बेटर है, देखोगे? हाँ काफी बेटर है ये, तो बेटर है। मतलब ये पापा खा सकते हैं। पापा तो वो भी खा लेते हैं, पापा तेरे पूछ रही है। अब ये देने जा रहा है पापा को, है ना? आ जाओ देखती हूँ पापा क्या करते हैं। हाँ आ जाओ। पापा डोसा ना है, रिव्यू चाहिए। दिख गया तूने बनाया? हाँ तो सही लग रहा देखने में, तो सही है तेरे लेवल के हिसाब से, सही है। चलो खा के देखो एक बारी। बिल्कुल गंदे वाला था पहला तो। ठीक है खा लूंगा। खा तो लोगे, फिर बताओ कैसा है। बढ़िया है, अच्छा हुआ है। हाँ। जो आप बनाते हैं उससे अच्छा खा रहा हूँ। अरे आप कैमरा, कैमरा के सामने इज्जत देख रहे कितनी बढ़ गई है। आप तो कभी मैंने सुना ही नहीं। तू 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 और आप बनाते हो उससे अच्छा ऐसा मत बोलो, फिर आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बना रहा हूँ। नहीं बढ़िया सही है ना, पेरेंटिंग ने तो मुझे इज्जत दे दी भाई बहुत ज्यादा। कितने नंबर दोगे 10 में से? पहले वाले को तो 5 ही दूंगी। हाँ भाई वो तुम्हारी सिर्फ एफर्ट्स थी और कुछ तो उसमें था नहीं। दूसरे वाले में तो इम्प्रूव हुआ ना? इम्प्रूव हुआ है तो 6.5। हाँ तो मतलब इम्प्रूवमेंट पे आपको है ना, इम्प्रूव ही कर रहा हूँ ना। हाँ तो अब मैं दो बना लूँ अपने लिए, बाकी सारे तू बनाइयो, फिर वो वेस्ट नहीं हो जाएगा? नहीं जो बनेंगे खाते जाइए, वो इम्प्रूव होते जाएंगे। भूखा मर जाऊंगा। चलो फिर मैं अंदर बैठता हूँ, लिहाजा डोसा। हाँ हाँ तो बैठ, मैं बना के ला रही हूँ, थोड़ा अच्छा वाला भी खा ले तू। सो गाइस दिस वाज मी मेकिंग अ डोसा। भाई भूख लग रही है, मम्मी अभी खाना लेकर आ रही है, तो मम्मियों की रिस्पेक्ट करो भाई, खाना दे रही है वो।
क्योंकि मुझसे तो बन नहीं रहा, मतलब फर्स्ट डे अभी तो काफ़ी लंबा चल रहा है ये काम। आई होप यार जल्दी खत्म हो, बट जितना वर्ल्ड में दिख रहा है ना मुश्किल ही आया जल्दी खत्म होना। लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, अभी दिल्ली में लॉकडाउन नहीं हुआ है अभी तक, राजस्थान और राजस्थान और एक और कौन सी सिटी है वहाँ पे हम लॉकडाउन हुआ अभी तक सिर्फ, तो दिल्ली में भी लॉकडाउन करो यार, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे, आज समझ रहे हैं, आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। बट हाँ सीख जाऊँगा मैं, अभी है काफ़ी टाइम, मैं एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल बढ़िया खाना वाना सीख जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा बनाकर। अभी तो बस डोसा आ जाए प्लीज़। अरे यार वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरी मम्मी डोसा लेके गई है मुझे, तो ठीक है इतना भी मिस है। अच्छा तो बना नहीं रहे, ये देख कितना बढ़िया है, इतना लंबा बड़ा डोसा ये देखो, ये अच्छा है, कौन इसको कहेगा अच्छा नहीं, तो उसको डोसा नहीं पता क्या होता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो आज जनता कर्फ्यू बहुत अच्छे से निभा रहे हैं लोग, बिल्कुल इतने पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब लाजवाब। तो हाँ चलो कुछ तो लाजवाब है, डोसा लाजवाब नहीं है। तो सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अगली वीडियो में मिलते हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली कल ही आ जाएगी, क्योंकि डेली व्लॉग तरह भी चलने वाला काम। और आई होप आपने आज कुछ सीखा हो बढ़िया, या कुछ ना सीखा हो कि कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो।